तो देखिए, आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे इस जो करप्टेड पेन ड्राइव है उसको कैसे किया जा सकता है, फॉर्मेट किया जा सकता है। कभी कभी ये होता है, करप्टेड हो जाता है पेन ड्राइव। तो किस लिए होता है, जब भी हम उस पेन ड्राइव को सेफ्टी रिमूव नहीं करते तो ऐसा होता है, वो ड्राइवर मिसिंग हो जाता है, डेल फाइल मिसिंग हो जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं। तो इसके लिए पहले तो हमें जाना होगा कमांड प्रॉम्प्ट में, और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना होगा कमांड प्रॉम्प्ट को। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया, और खुलने के बाद आपको इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, बार बार मैं कह रहा हूँ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिएगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्क पार्ट लिखना है, और ये सारा का सारा कमेंट जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो जो पार्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो जो पार्ट आप गलती दूसरा पार्ट क्लीन नहीं तो आपका इंटरनल जो हार्ड डिस्क है वो फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है। और यहाँ पर कमेंट लिखना होगा क्लीन। ठीक है, डिस्क पार्ट देखिए यहाँ पर क्लीन हो रहा है। क्रिएट पार्टीशन। ठीक है, ये देखिए, यही मैं बता रहा था, जिसको क्लीन करना है उसको ही लिखना, फिर फॉर्मेट fs इक्वल टू ntfs क्विक। ठीक है, ntfs क्विक, फॉर्मेट fs इक्वल टू ntfs क्विक, क्योंकि ये ntfs मोड में ले जाएगा। देखिए इसके बाद सक्सेसफुली ये जो है फॉर्मेट हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।